हेलो फ्रेंड्स, लॉ प्रिंसिपल एडवोकेट तनिषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी में आप लोगों के लिए मैं एक और छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि पुलिस वाले इलीगल गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको पता होता है कि जिनको वो गिरफ्तार कर रहे हैं वो इनोसेंट हैं, फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन करने के बहाने उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके रखते हैं। तो ये केस अभी केरला हाई कोर्ट का है, अनिल कुमार वर्सेस केरला हाई कोर्ट। इस केस में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पूरी टीम को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दोनों को पता था कि ये दोनों व्यक्ति इनोसेंट हैं, फिर भी उनको 50 डेज तक गिरफ्तार करके रखा, जिस कारणवश उनके राइट आर्टिकल 21 का वायोलेशन हुआ। जब 50 दिन बाद वो दोनों बाहर निकल के आए तो उन्होंने कोर्ट एडवोकेट किया और उन्होंने अपील कोर्ट के सामने पेश करवाई कि वो दोनों इनोसेंट थे और शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उनकी पूरी टीम को पता था कि हम इनोसेंट हैं, उसके बावजूद भी हमें 50 दिन तक अरेस्ट करके रखा गया। तो इसमें कोर्ट ने उनको कंपेंसेशन देने के लिए बोला, 2.5 लाख रुपए दोनों व्यक्तियों को बोला कि इनका आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है, किसी की आज़ादी को हम इस तरीके से अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं। उन दोनों को 2.5 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिलवाया। तो इसी के अपोजिट में जो APO सरकारी वकील जो होता है वो आए और उन्होंने सरकार से अपील की कि जो कंपेंसेशन है वो सरकार क्यों देगी, गलती पुलिस वालों की थी तो सरकार क्यों देगी। तो इस बात पर कोर्ट ने बोला कि गलती चाहे पुलिस की हो लेकिन इस तरीके की कोई भी इलीगल वर्क होता है तो उसका जुर्माना, उसका कंपेंसेशन पुलिस सरकार को ही देना पड़ता है। तो केरला हाई कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया और पुलिस को वार्न किया कि इस तरीके का किसी भी इस तरीके के कोई भी अरेस्ट ना करें, अगर उन्हें पता है कि वो इनोसेंट हैं तो उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ना करें, उनके 21 आर्टिकल का वायलेशन ना करें। तो इतनी छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को आज ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बट आप लिख लीजिए 9808100485। किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल जानकारी अगर आपको चाहिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।